हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड का रिव्यू टैब के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब सीखते हैं रिव्यू टैब में। सबसे पहले इधर ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसका यूज सीखते हैं। इसका यूज करने से पहले इधर मैंने इधर जो एक मैटर टाइप करा है उसमें कोई स्पेलिंग डिलीट कर देता हूँ। जैसे डॉक्यूमेंट में मैंने यू हटा दिया और यहाँ पर एलिमेंट से भी मैं स्पेलिंग गलत कर देता हूँ और कॉलम से भी स्पेलिंग मैं गलत कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इधर एक डॉक्यूमेंट से स्पेलिंग गलत करी है और एलिमेंट से स्पेलिंग गलत करी है और इधर एक कॉलम से स्पेलिंग गलत करी है। आप देख सकते हैं तीनों में रेड लाइन आ चुकी है, मतलब कि रेड लाइन मतलब होता है कि आप यहाँ पर स्पेलिंग गलत है। तो इसका यूज सीखते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर। इस पे स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं राइट साइड में टैब खुल जाएगा। तो ये स्पेलिंग बताएगा कि इधर जैसे यहाँ पर अभी कॉलम पे हाईलाइट है तो कॉलम हमारा ये स्पेलिंग होनी चाहिए या तो कॉलन होना चाहिए, कॉलम्स होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कई सारी स्पेलिंग दिखा देगा, आपको जो चेंज करना है अपने हिसाब से उसको करें। जैसे मुझे ये रखना है फर्स्ट वाला कॉलम, तो इस पर क्लिक करूंगा और चेंज पे क्लिक कर दूंगा। तो कॉल आप देख सकते हैं जो कॉलम था इसकी स्पेलिंग ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट पे चला गया तो डॉक्यूमेंट में मेरा यू गायब है। तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, एक डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है, एक डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है। तो आपको जो ठीक लगे उसको क्लिक कर सकते, इस पर क्लिक करेंगे, चेंज पे क्लिक कर देंगे। और इधर एलिमेंट्स है, आपको यहाँ पर कौन से रखनी है, जैसे मेरे फर्स्ट वाली रखनी है चेंज क्लिक कर दूंगा। तो जैसे आप सब सारी स्पेलिंग ठीक कर देंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपके सिस्टम में और लिखाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कम्प्लीट और ओके पे क्लिक कर देगा। मतलब आपका ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें सारी स्पेलिंग और जो ग्रामर है वो सारी ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसका। तो अब नेक्स्ट यूजर्स का थिएटर का, जिसकी शॉर्टकट क्या होती है शिफ्ट प्लस F7। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो इसका यूज होता है कि आप किसी वर्ड से रिलेटेड कोई मिलता जुलता वर्ड हो तो वो आपको पता लग जाता है। मैं यहाँ लिखता हूँ कंप्यूटर और फिर उसके बाद यहाँ पर सर्च करूंगा तो आप देख सकते हैं मैंने इधर कंप्यूटर टाइप करा और इधर कंप्यूटर से रिलेटेड कई सारे वर्ड आ गए। कंप्यूटर से रिलेटेड इधर प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है, मेन फ्रेम होता है, वर्क स्टेशन, पीसी होता है, लैपटॉप होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते कंप्यूटर से रिलेटेड कई सारे वर्ड आ चुके हैं। और अगर आपको इसको इंसर्ट करवाना है तो इसमें आप जैसे प्रोसेसर को इंसर्ट करना है यहाँ पर डाउन एरो की यहाँ से आप इंसर्ट करवा सकते हैं, जैसे यहाँ से कुछ भी यहाँ इंसर्ट करवा सकते हैं। इस तरह आप कोई भी इधर वर्ड टाइप करके उसका मिलता जुलता मीनिंग ले सकते हैं, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोसेसर सीपीयू इस तरह आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वीडियो और फिर सर्च करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो से रिलेटेड कई सारे वर्ड आ चुके हैं। वीडियो से रिलेटेड फिल्म भी होती है, मूवी भी होती है, यहाँ पर कई सारे। और फिर जो आपको वर्ड चाहिए उसको आप यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं, इस तरह इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये था आपका थिएटर का यूज। आप सीखते थे वर्ड काउंट, इसको यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं और यहाँ पर वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये वर्ड काउंट जितने भी जो डॉक्यूमेंट पर आपने जो ये पैराग्राफ टाइप करा है उसमें अभी जो मेरा पेज है डॉक्यूमेंट है आप देख सकते हो पेज 1 है। जो वर्ड टाइप करें 245 टाइप करें, कैरेक्टर नो स्पेस, मतलब ये कैरेक्टर जो है वो नो स्पेस में है 1109। कैरेक्टर विद स्पेस, मतलब स्पेस को भी गिन रही है साथ में, तो 1349 है इतना। और पैराग्राफ 5 है इसमें, लाइन 16 है। तो ये आपका पूरा एक तरह का डॉक्यूमेंट का पूरा ओवरव्यू दिखा देता है कि आप इस डॉक्यूमेंट कितने पेज, वर्ड, कैरेक्टर, नो स्पेस, विद स्पेस या पैराग्राफ लाइन कितनी है, तो ये आपको दिखा देता है। तो इस ये जो वर्ड काउंट है कि आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, एक आपको डाउन यहाँ पर 245 जो वर्ड है इस पर क्लिक करेंगे तो सेम वही खुलेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं चेक एक्सेसिबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। चेक एक्सेसिबिलिटी पे जब क्लिक करेंगे अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ ही प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर आपको एरर शो कर देगा। अभी मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ भी एरर नहीं है तो इसलिए यहाँ पर टिक आ रहा लिखा हुआ आ रहा है नो एक्सेसिबिलिटी इशू फाउंड
मतलब अभी इस डॉक्यूमेंट में कोई भी एरर नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाके एक सेव इंसर्ट करता हूँ कुछ इस तरह, और यहाँ से भी एक कोई सेव इंसर्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह। तो आप देख सकते हैं मैंने दो सेव करी, तो अब जो टिक था वो गायब हो चुका है, अब यहाँ पर एरर आ चुका है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एरर क्या आ रहा है। मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट, क्यूब है, आइसलेस ट्राइंगल, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूछे हुए बोल रहा है एरर डिस्क्रिप्शन कि मैंने ये जो सेव बनाया इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, तो वो मैं ऐड करूंगा तो यहाँ से एरर गायब हो जाएगा। जैसे एड ए डिस्क्रिप्शन पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख दूँ, तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर दो था अब एक हो गया। तो सेम एड डिस्क्रिप्शन ये आप देख सकते हैं ऐसे गायब हो गया। तो ये क्यूब टू है, यहाँ से भी आप प्लेस डिस इन लाइन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह हो जाएगा। तो आप ऐसे आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, अब यहाँ पर देख सकते हैं टिक हो चुका है, तो यहाँ से अब एरर गायब हो चुका है। इस तरह आप चेक एक्सेसिबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सेव को, क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ट्रांसलेट। यहाँ पर ट्रांसलेट है, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। जैसे इस वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्टेड टेक्स्ट, अगर आपको डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है किसी और लैंग्वेज में, तब डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर सकते हैं ये सिलेक्टेड टेक्स्ट। अभी मैंने इधर वीडियो पे सिलेक्ट करा है, तो मैं सिलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट को पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है तो आप ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। इससे सिलेक्टेड टेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पर यस नो पूछे, यहाँ पर यस कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीडियो जो है वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है लैंग्वेज, इसने ट्रांसलेट करी है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट को फ्रांस में करी है इसने। तो वीडियो को कुछ इस तरह फ्रांस में लिखा जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह फ्रांस में लिखा जाता है। तो ऐसे आप कोई भी वर्ड को टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कंप्यूटर टाइप कर देता हूँ और सर्च करूंगा, तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर को फ्रांस में कुछ इस तरह लिखा जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं इस ये जो ट्रांसलेट होता है वो आपको लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए होता है। नहीं तो अगर आपको इसमें इतना समझ में नहीं आ रहा तो आप इसमें गूगल से भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं उसमें इंग्लिश टू फ्रांस, गूगल से भी आप कर सकते हैं। तो ये था आपका ट्रांसलेशन का यूज। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, लैंग्वेज। यहाँ पर लैंग्वेज पे जाएंगे और लैंग्वेज प्रेफरेंस है, इस पर क्लिक करेंगे। लैंग्वेज प्रेफरेंस पे क्लिक करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, प्रूफिंग इंस्टॉल, मतलब कि अभी मेरे सिस्टम में जो लैंग्वेज इंस्टॉल्ड है वो इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टॉल है। अगर मुझे कोई और दूसरी लैंग्वेज इसमें इंस्टॉल करनी है तो ऐड अ लैंग्वेज पे जाऊंगा और यहाँ पर आपको कई सारी लैंग्वेज मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह फ्रांस है, इधर कुछ इस तरह, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी है इधर। तो यहाँ पर आपको कई सारी लैंग्वेज मिल जाएगी, आपको जो ऐड करनी है उस पर क्लिक करके और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही रहने देता हूँ, यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। तो इस तरह आप लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इधर है कमेंट, यहाँ पर कमेंट में आप जब पांच ऑप्शन देख रहे होंगे, न्यू कमेंट, डिलीट, प्रीवियस, नेक्स्ट, सो कमेंट, इसका यूज सीखते हैं। जैसे कमेंट है, जैसे इस पैराग्राफ को मैंने हाईलाइट करा और न्यू कमेंट पे क्लिक करा तो आप देख सकते हैं रेड कलर से हाईलाइट हो चुका है और यहाँ पर कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लीज, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस पैराग्राफ इंडिकेट कंप्यूटर, मतलब ये जो पैराग्राफ है ये कंप्यूटर के बारे में जैसा आ रहा है। तो इस तरह आप कमेंट का यूज कर सकते हैं। और कमेंट का एक दूसरा यूज भी होता है कि जैसे कि अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और ये आपकी एक फाइल है, इस फाइल को दो जने इस्तेमाल करते हैं और लेकिन अभी आप काम कर रहे हैं और जैसे कि यहाँ पर मैंने ये गैलरी पे करा और न्यू कमेंट पे करा, ये गैलरी आप देख सकते हैं इधर हाईलाइट हो चुका है और यहाँ पर आप कुछ भी इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं प्लीज वेरीफाई दिस सेंटेंस की, मतलब कि इस जो सेंटेंस लिखा है या जो ये मेरा पूरा सेंटेंस है आप इसको वेरीफाई कर लीजिए ताकि
इस फाइल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आप कोई फाइल बना रहे हैं और आप कोई डॉक्यूमेंट या कोई वर्ड या पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट है कि हाँ ये जो पैराग्राफ टाइप है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये आपको समझ में नहीं आ रही है, तो जो कोई दूसरा बंदा है वो आपकी फाइल पे बैठेगा और वो जब चेक करेगा आपकी फाइल को, तो उसमें वो देख सकता है कि हाँ उसने ये लिखा हुआ है कि प्लीज वेरीफाई दिस सेंटेंस, मतलब कि मुझे यहाँ इस सेंटेंस में कुछ चेक करना है या कोई वर्ड या पैराग्राफ को सेंटेंस को चेक करना है ताकि मैं इसको रिजॉल्व कर सकूँ कि इसमें कुछ गलत है। तो इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर है प्रीवियस और नेक्स्ट। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आगे की तरफ जाएगा, प्रीवियस करेंगे तो ये बैक की तरफ जाएगा। और इस कमेंट को अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस पे क्लिक करो और यहाँ पर डिलीट कर दें, यहाँ से भी डिलीट कर देंगे। इस तरह आप डिलीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर सो कमेंट है, जो कमेंट आपके हाइड होंगे वो सो होने लग जाएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इधर लिखा हुआ है ट्रैक चेंजेस, ये इसका यूज सीखते हैं। जैसे आपने कोई फाइल को सेव करी है और फिर उसके बाद कोई और आपके सिस्टम में बैठता है और आपकी फाइल में कुछ एडिट करने की कोशिश करता है और फिर आपको जानना है कि मतलब कि मेरे जाने के बाद कौन इस फाइल में एडिट करा है क्या और कौन से मैटर इसमें डिलीट करे हैं या एडिट करे हुए हैं इसमें, तो इसलिए हम ट्रैक चेंज का इस्तेमाल करते हैं। एक तो ट्रैक चेंज का यूज सीखे, जैसे आप यहाँ पर ट्रैकिंग में इधर एरो देख रहे होंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे एडवांस ऑप्शन पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर कई सारे आपको इधर फॉर्मेटिंग मिल जाएगी। जैसे कि अगर कोई वर्ड जो कोई वर्ड है इधर कोई और बंदा इंसर्ट करे तो वो अंडरलाइन में हो जाए और रेड कलर में आए, और कोई डिलीट करे वर्ड तो स्ट्राइक थ्रो आ जाए और फिर वो भी रेड लाइन में आए। यहाँ पर बोल्ड में कर सकते हैं, इटैलिक में कर सकते हैं। तो यहाँ पर है चेंज लाइन, यहाँ पर कि अगर कोई लाइन को चेंज करे वो आउटसाइड में बॉर्डर आ जाए रेड कलर में, और यहाँ पर है मूव फ्रॉम डबल स्ट्राइक थ्रो कलर ग्रीन में आ जाए कि मूव्ड हो जाए तो ग्रीन, इंसर्ट करे सेल टेबल में तो लाइट ब्लू आ जाए, डिलीट करे सेल तो पिंक हो जाए, और मर्ज सेल करे तो लाइट येलो हो जाए, स्प्लिट करे तो लाइट ऑरेंज। तो इस तरह के यहाँ पर कई सारी फॉर्मेटिंग है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिलहाल जो ये पहले से फॉर्मेटिंग सेट हो रखी है इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, और इधर भी ओके पे क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ से ट्रैक चेंज है इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। अब इसको आपको क्या करना है, जब ये ट्रैक चेंज इधर ऑन हो जाएगा, इधर आप देख सकते हाईलाइट होने लग गया है ट्रैक चेंज, तो इसको आपको फाइल को कंट्रोल एस की मदद से इधर सेव कर लेनी है। जैसे मैं फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ पहले डेस्कटॉप में जाकर, और क्या मैंने फाइल सेव कर दी, इधर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट के नाम से मैंने जब फाइल को सेव कर दी। अब जब ये आपने फाइल सेव कर दी, जब ये कोई और दूसरा व्यक्ति ओपन करेगा इस फाइल को, और ये आप देख सकते हैं इस फाइल में मैंने एंटर दबाया तो यहाँ पर आप देख सकते लाइन आ रही है, तो इस लाइन का मतलब है कि इधर एंटर दबा रखा है। और यहाँ से मैं बैक स्पेस करता हूँ, तो बैक स्पेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो वर्ड है इधर रेड रेड में हो गया है, जैसे मैंने आपको इधर दिखा रखा था एडवांस ऑप्शन कि रेड में आ जाए, तो ये रेड में ही आ रहा है। स्ट्राइक थ्रो मीन्स बीच में लाइन आ जाए, तो इस तरह ये काम कर रहा है यहाँ से इस तरह। और जैसे मैं यहाँ से एंटर दबाऊँ तो यहाँ से कुछ इस तरह। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी कि इसमें अगर चेंज कर रहा हूँ तो जो कोई और बंदा आपके फाइल पे बैठे तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने ट्रैक चेंजेस का इस्तेमाल करा तभी ये वर्ड कुछ इस तरह आ रहे हैं। अगर आपको वैसे सेटिंग करनी है कि उसको पता ना चले और ये ट्रैक चेंज ऑन का ऑन ही रहे लेकिन उसको पता ना चले कि मैंने ट्रैक चेंज का इस्तेमाल करा इस फाइल में, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑल मार्कअप, तो यहाँ से आप ओरिजिनल पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते ओरिजिनल में सारी जो फॉर्मेटिंग थी वो गायब हो गई। अब यहाँ इधर ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बैक स्पेस करेंगे, तो बैक स्पेस जैसे ही करेंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बैक तो हो ही नहीं रहा, कर्सर मेरा पीछे जा रहा है लेकिन बैक नहीं हो रहा। तो इसमें क्या करूंगा, नो मार्कअप पे क्लिक करूंगा
अब यहाँ से मैं कुछ भी बैक या एडिट वगैरह कुछ भी कर सकता हूँ। आपको इधर नो मार्कअप पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ से मैं कुछ भी फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। इस तरह मैं फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। और अब मुझे देखनी है जब फॉर्मेटिंग, तो यहाँ से मैं ऑल मार्कअप पे क्लिक करूंगा या सिंपल मार्कअप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से एंटर दिख जाएगा। और ऑल मार्कअप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से मुझे वर्ड दिख जाएंगे कि मैंने कौन कौन से डिलीट करे हुए। अब उसके बाद ये पूछ रहा है एक्सेप्ट या रिजेक्ट, तो इस वर्ड को मुझे रखना है या नहीं रखना, तो रिजेक्ट करूंगा तो रिजेक्ट ऑल चेंजेस। एक्सेप्ट करना होगा तो आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर रिव्यू पेन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिलीट वर्ड हुए थे वो ए सी एच अदर फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड डिलीट हुए हैं, ये चीज ये वर्ड डिलीट हुए हैं, ये देख सकते हैं। इंसर्ट कराया मैंने ये वर्ड ये डिलीट, तो यहाँ पर सब दिखा देगा कि कौन से वर्ड डिलीट हुए हैं कौन से वर्ड इंसर्ट हुए। यहाँ पर आप देख सकते डिलीट वर्ड है या डिलीट वर्ड है, या इधर आप देख सकते हैं इधर इंसर्ट वर्ड है, तो यहाँ पर मैंने ये वर्ड इंसर्ट करा है। इस तरह आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर वर्टिकल में ये अभी दिखा रहा है, हॉरिजेंटल में आपको देखना है तो हॉरिजेंटल में कुछ इस तरह आएगा, वर्टिकल में देखना है तो कुछ इस तरह आएगा। इस तरह आप रिव्यूइंग पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट है, इसको मैंने बताया था कि ये जो वर्ड अगर आपको रखना है तो आप एक्सेप्ट करें, नहीं रखना तो रिजेक्ट कर दीजिए। जैसे मुझे अभी नहीं रखना तो रिजेक्ट कर दूंगा। और प्रीवियस नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट करूंगा तो ये जो वर्ड है ये जो जो वर्ड डिलीट हुए थे वो हाईलाइट होगा, प्रीवियस करना है कुछ इस तरह हाईलाइट होगा। अब इसको मैं रिजेक्ट ऑल चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल हो गया। जो जो सेटिंग हुई थी जो डिलीट करे थे वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया, वो डिलीट नहीं हुए। इस तरह आप ट्रैक चेंजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर है कंपेयर का यूज सीखते हैं। तो कंपेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिवाइड होगा। जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कोई भी आप फाइल ले लीजिए एमएस वर्ड की, जैसे मैं यहाँ से डीओसी वाली ले लेता हूँ और रिवाइड डॉक्यूमेंट में यही वाली फाइल ले लेता हूँ जो मैं सेव कर डॉक्यूमेंट की। और उसके बाद यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ना एक आप यहाँ पर आप देख सकते कंपेयर रिजल्ट 3 के नाम से एक नई फाइल खुल जाएगी, एक न्यू फाइल खुलेगी। और उसके बाद यहाँ पर कंपेयर डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, रिवाइड डॉक्यूमेंट, तो ये ओरिजिनल है ये रिवाइड डॉक्यूमेंट है। तो क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डीओसी वाली फाइल है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाली फाइल है, तो ये दो फाइल, इन दोनों फाइल को कंपेयर करके इधर दिखाया है। तो इस दो फाइल को कंपेयर करके क्या दिखा रहा है कि ये दो फाइल है इसमें से कौन कौन से वर्ड अलग है वो इधर रेड कलर से हाईलाइट होने लग गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिट्स योर डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पर है दैट बेस्ट फिट्स योर डॉक्यूमेंट यहाँ पर, लेकिन इस वाली फाइल में नहीं है। और यहाँ पर ये जो वर्ड है इस वाली फाइल में तो है लेकिन इस वाली फाइल में है, तो इसलिए हम कंपेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि दोनों फाइल को हम मैच कर सकते हैं कि कौन से वर्ड अलग है कौन से वर्ड उसमें नहीं है। इस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कंबाइन का इस्तेमाल करें, जैसे इस फाइल को मैं क्लोज कर लेता हूँ पहले जैसा, यहाँ से मैं डोंट सेव और यहाँ पर कंबाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सेम कोई भी आप इधर से फाइल उठा लीजिए, यहाँ से जैसे यहाँ से मैं इधर से कोई भी फाइल उठा लेता हूँ और ओके पे क्लिक करेंगे, तो ओके पे आपने क्लिक करा और तो आप देख सकते हैं ये कंबाइंड डॉक्यूमेंट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल है इसमें यही अलग है फिट्स योर डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये वाली द डेट बेस्ट फिट्स योर डॉक्यूमेंट इसमें लिखा हुआ है लेकिन इस वाली फाइल में नहीं लिखा, डेट बेस्ट की लिखा हुआ है, फिट योर डॉक्यूमेंट नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। और इस वाली अनदर डिवाइस, यहाँ पर देख सकते हैं ये अनदर डिवाइस इस वाली फाइल में लिखा हुआ है लेकिन इस वाली फाइल में नहीं लिखा हुआ। इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंबाइन का। मुझे उम्मीद है आपने कंपेयर और कंबाइन का मतलब समझ गए होंगे। अब यहाँ पर है 100 डॉक्यूमेंट, अगर आपको 100 ओरिजिनल चाहिए तो इस तरह आ जाएगा ओरिजिनल, और 100 रिवाइज चाहिए तो रिवाइज डॉक्यूमेंट आ जाएगा। और यहाँ पर है 100 बोथ कि दोनों दिखे मुझे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी दिखे और रिवाइज डॉक्यूमेंट भी दिखे, तो दोनों दिखाएगा ये। और यहाँ पर है हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो दोनों फाइल हट जाएगी और ये एक ही फाइल में बन के दिखा देगा कि आपको दिखा देगा जो
दोनों फाइल में यहाँ तक तो सेम लिखे हुए हैं, लेकिन एक फाइल ऐसी है कि उसमें ये एक्स्ट्रा वर्ड लिखे हुए हैं, और इतने वर्ड सेम है, लेकिन एक फाइल ऐसी है कि उसमें ये वर्ड जो रेड कलर से हाईलाइट है, ये अलग वर्ड लिखे हुए हैं। इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है आपको कंपेयर, कंबाइन और सोर्स डॉक्यूमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से डोंट सेव। अब आप देख सकते हो डिस्ट्रक्शन एडिटिंग है, तो ये आपको फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल आता है। इससे आप फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते, जैसे आपने फाइल सेव तो कर ली, लेकिन सेव करने के बाद फाइल को इस फाइल में कोई और बंदा भी एडिट कर सकता है। अब आप चाहते हैं कि इस फाइल में ना सिर्फ मैं ही काम कर सकूं और कोई और इस फाइल में बैठे तो वो इसमें बिल्कुल काम भी नहीं कर पाए, एडिट भी नहीं कर पाए, फॉर्मेटिंग भी ना कर पाए। आप इसमें एक तरह से पासवर्ड लगा दे फाइल में, ये पासवर्ड लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे डिस्क्रिप्शन एडिटिंग पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर पूछ रहा है फॉर्मेटिंग पे आपको पासवर्ड लगाना है या एडिटिंग पे लगाना है, तो मुझे दोनों पे ही लगाना है, तो मैं दोनों पे टिक कर दूंगा। और यहाँ पर है उसके बाद एक्सेप्शन ऑप्शनल कि एवरीवन पे क्लिक करेंगे तो सब में से ये हाइड हो जाएगा। और यहाँ से डाउन एरो किए कि फाइंड नेक्स्ट रीजन यूजर कैन एडिट, यहाँ से आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। अभी मुझे एवरीवन पे कि कोई भी बंदा इसमें एडिट ना कर पाए, और फिर यस स्टार्ट पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पर है एक पासवर्ड, एक ऑप्शन है आपको कैसा मतलब पासवर्ड लगाना है, तो मुझे पासवर्ड पे ही मैं रहने देता हूँ। और यहाँ पर आप पासवर्ड लगा दीजिए कोई भी, जैसे मैं 123 पासवर्ड डाल देता हूँ, तो आपको जैसे मैंने यहाँ लिखा 123, तो आपको भी यहाँ पर 123 सेम लिखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं री एंटर पासवर्ड टू कर, जो आप ऊपर पासवर्ड डालेंगे वही सेम आपको उधर नीचे भी डालना है, और उसके बाद इधर ओके पे क्लिक करना है। तो ओके पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आपको इस फाइल को कंट्रोल एस की मदद से सेव कर लेना है। कंट्रोल एस की मदद से जब सेव कर लेंगे और जब आप इस फाइल को दोबारा ओपन करेंगे, तो आप उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कुछ भी एडिट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी इधर एडिट नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी एडिट नहीं होगा, लेकिन स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इधर पासवर्ड पूछ रहा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कीबोर्ड से, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा। अब मुझे यहाँ पर मुझे पता चल गया कि जो इस जिसने भी फाइल बनाई है इसने पासवर्ड लगा रखा है, तो स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाऊंगा। अब जो मैंने पासवर्ड बनाया था जो वही मुझे डालना है, तो मैंने पासवर्ड बनाया था 123 और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक दूसरा यूज भी सिखा देता हूँ। ये सेक्शन जैसे इन दोनों पे आपने टिक करा और फिर सेम आपने इधर पासवर्ड लगाया, यहाँ से 123 करके आप यहाँ कोई भी इधर पासवर्ड ना सकते, ओके पे क्लिक करा, तो आपने इधर देखा होगा इधर आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको जब एडिट करना है तो फाइन इधर यहाँ पर फाइन नेक्स्ट रीजन आई कैन एडिट, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इधर एडिट कर पाएंगे, यहाँ से कुछ इस तरह आप एडिट कर पाएंगे। और उसके बाद जो ये आपने एडिट करा है ये आपका परमानेंट सेव नहीं होगा। अगर आपको देखना है कि इधर मतलब मैंने क्या क्या एडिट करा है, तो हाईलाइट पे इधर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कोई जो दूसरा बंदा आपके जो फाइल में बैठा था उसने इतना एडिट करा हुआ है, आप देख सकते येलो कलर से इधर हाईलाइट हो रखा है। तो इस तरह तो अगर आपको यहाँ से इधर कोई कॉपी भी करना हो, जैसे इधर यहाँ से मैंने कॉपी करा और मैं इधर पेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हो पेस्ट वाला ऑप्शन है वो हाइड हो रखा है। तो इसका मतलब आप ना इसमें कट, कॉपी, पेस्ट आप तीनों का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप एक तरह का ये आपको जो डॉक्यूमेंट है प्रोटेक्टेड हो चुका है, इसमें ना डिलीट कर सकते ना कट कॉपी पेस्ट, आपको कुछ भी करने के लिए पासवर्ड की इसमें जरूरत पड़ेगी। जैसे स्टॉप प्रोटेक्शन करूंगा और यहाँ पर 123 लिख देता हूँ और ओके पे क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं इधर आप अगर आप सही से इधर देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक ब्रैकेट बन गया है, इधर एक ब्रैकेट बना है और एक यहाँ पर ब्रैकेट बना है। इस ब्रैकेट का मतलब है कि इतने से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक कि किसी और बंदे ने एडिट करा हुआ है, तो इसको आप बैक स्पेस करके डिलीट भी कर सकते हैं जब आप पासवर्ड को रिमूव कर देंगे। तो इस तरह आप रिस्ट्रिक्शन एडिटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है
कि आपको रिव्यू टैब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको एमएस वर्ड का रिव्यू टैब के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।